Very good morning to all of you. So today we are just going to start the second chapter of our class and that is components of food. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग foods के components के बारे में पढ़ेंगे. मतलब food किस किस चीज़ से मिल के बना हुआ होता है, आज हम लोग वो सारे चीज़ों को discuss करेंगे. ठीक है, आज हमारा इस chapter का first class है और इस चैप्टर का हेडिंग क्या है? तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, तो देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या एराइज हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर नोन एज अ न्यूट्रिएंट्स. फूड्स के वो कंपोनेंट जो यूजफुल होते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ्स के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, और हमारे फूड में हमें पांच टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स मिलता है. फर्स्ट हमारा क्या होता है? तो फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड हमारा क्या होता है? फैट्स. थर्ड हमारा क्या होता है? प्रोटीन. फोर्थ हमारा क्या होता है? विटामिन्स. और फिफ्थ हमारा क्या होता है? मिनरल्स. हमारे फूड में कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? तो पांच टाइप्स के. ठीक है, कौन कौन से? तो फर्स्ट वन हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड हमारा फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन एंड लास्ट वन इज मिनरल्स. गॉट इट? अब हम लोग देखेंगे इसका फिगर कि प्रोटीन में, प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलता है, विटामिन किस चीज़ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलता है, फैट हमें कैसे मिलता है. तो देखो यहाँ पे कितना, ये जो मिल्क, एग और ये फिश, मीट, इससे हमें क्या मिल रहा है? प्रोटीन. और जितने भी फ्रूट्स हैं उससे हमें क्या मिल रहा है? विटामिन्स भी मिल रहा है और साथ साथ में मिनरल्स भी मिल रहा है. और फिर यहाँ पे देखो ब्रेड है, पोटैटो है, ग्रेन्स है, इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें कार्बोहाइड्रेट. और यहाँ पे बटर, चीज़, ये सबसे हमें क्या मिल रहा है? तो फैट्स मिल रहा है. तो जो पांच टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होता है वो क्या क्या होता है? तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. गॉट इट? फिर हम लोगों को क्या देखना है? अब हम लोग एक एक न्यूट्रिएंट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस टाइप्स के फूड्स खाएंगे तो हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किस टाइप का फूड खाएंगे तो उससे प्रोटीन मिलेगा. फिर कार्बोहाइड्रेट की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब ये जो ओवरऑल जितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड्स में मिल रहे हैं वो सब का इम्पॉर्टेंस क्या है, ये सारे अब हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में. ठीक है, तो ये क्या है? देखो इसका सोर्स ये हमें कहाँ से मिलता है? तो दे आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का सोर्स होता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है. ठीक है, इस वजह से जिस फूड से हमें एनर्जी मिलता है, जो फूड खा के हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता, जिस फूड को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फूड को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं. बिकॉज हमें पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा. इस वजह से जिस फूड को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उस फूड को ही हम क्या बोल देते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और फिर हमारा क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे सेल्स में और हमारे फूड में मेनली टू टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. एक हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और फिर सुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो जितने भी ये पोटैटो होता है या फिर ये फ्राइड राइस होता है, इससे हमें क्या मिलता है? तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च फॉर्म मिलता है. और वहीं पर हमारा जो
जो कार्बोहाइड्रेट का शुगर फॉर्म हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें ग्लूकोज से मिलता है। मतलब इससे हम क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, एक तो स्टार्च फॉर्म में और दूसरा ग्लूकोज फॉर्म में। तो स्टार्च फॉर्म में हमें किस टाइप्स के फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो पोटैटो, फ्राइड राइस, ये सब जो है वो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च फॉर्म इसमें मिलता है। और वहीं पे अगर हम ग्लूकोज को देखें तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म शुगर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे फैट्स के बारे में। अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को देखा, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है, इस वजह से जो भी फूड कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। और वो कार्बोहाइड्रेट जनरली हमारे फूड्स में दो फॉर्म्स में मिलता है, एक हमारा किसका फॉर्म में मिलता है, तो स्टार्च के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और वो जनरली हमें पोटैटो से, फ्राई राइस से मिल जाता है, और दूसरा शुगर के फॉर्म में मिलता है जो कि हमें ग्लूकोज से मिलता है। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, फैट्स दे ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इनफैक्ट दे गिव ट्वाइस द एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट गिवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट हमें ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी एनर्जी मिल रहा है, तो वहीं पे 1 ग्राम फैट को खाने पे हमें 8 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। मतलब इस स्टेटमेंट से हमें, इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि फैट तो हमें एनर्जी दे ही रहा है कार्बोहाइड्रेट के जैसा, लेकिन ये उसके कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में दुगना एनर्जी दे रहा है। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरी एनर्जी दे रहा है, तो वहीं पे 1 ग्राम अगर फैट को हम लेंगे तो वो हमें कितना एनर्जी देगा, तो वो हमें 8 कैलोरी एनर्जी देगा। गॉट इट। फिर यहाँ पे देखो, ये जो कोकोनट ऑयल्स होते हैं, आलमंड्स होते हैं, बटर होता है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें फैट मिलता है। हमें पता चला कि फैट हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर से भी दुगना एनर्जी देता है। तो ये मिलता कहाँ से है, किस टाइप के फूड में फैट प्रेजेंट रहता है, तो वो कोकोनट में प्रेजेंट रहता है, आलमंड्स में प्रेजेंट रहता है, और कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो बटर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज फ्रॉम फैट इज ऑब्टेन, इट इज क्लासिफाइड इन टू 2 टाइप्स। ठीक है, जैसे कि फैट कहाँ से ऑप्टेन कर रहा है, प्लांट से ऑप्टेन कर रहा है कि एनिमल से ऑप्टेन कर रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग फैट को 2 भाग में डिवाइड किए हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल फैट, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम लोग प्लांट फैट्स बोलते हैं। ठीक है, जो फैट हमें एनिमल से मिलता है उसे हम लोग एनिमल्स फैट बोल देते हैं, और जो फैट हमें प्लांट से मिलता है उसे हम लोग प्लांट फैट बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे कोकोनट हमें कहाँ से मिलता है, तो कोकोनट हमें प्लांट से मिलता है। आलमंड ऑयल्स हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लांट फैट। अगर वहीं पे हम बटर देखें तो बटर कैसे मिलता है, मिल्क का प्रोडक्ट है, और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, तो एनिमल से मिलता है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग एनिमल फैट्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके सोर्सेस के अनुसार हम लोग उसको डिवाइड किए हैं कि कौन सा फैट हमें कहाँ से मिल रहा है। जो प्लांट से मिल रहा है उसे प्लांट फैट्स, और जो एनिमल से मिल रहा है उसे हम लोग एनिमल फैट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया कि मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, घी आर द सोर्स ऑफ एनिमल फैट। ये आर एग्जांपल ऑफ एनिमल फैट, ये सोर्स नहीं होगा, क्या होगा, आर एग्जांपल ऑफ एनिमल फैट, क्योंकि ये हमें एनिमल से मिल रहा है। वहीं पे वेजिटेबल्स एंड वाल आर एग्जांपल ऑफ प्लांट फैट, ये किसका एग्जांपल है, वेजिटेबल और वाल्स, तो ये हमारा प्लांट फैट का एग्जांपल है।
गॉट इट। देखो यहाँ पे फैट्स, यहाँ पे क्या रखा गया, ऑयल रखा गया है, ये बटर है, यहाँ पे चीज है, ये सब सारे, ये सारी चीजों से हमें क्या मिलता है, तो इससे हमें फैट मिलता है। फिर हमें क्या डिस्कस करना है, फिर हमें डिस्कस करना है प्रोटीन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने दो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। फर्स्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड हम लोग प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता था, एनर्जी मिलता था। इस वजह से जितने भी फूड्स कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते थे, उस फूड को हम लोग क्या बोलते थे, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, ठीक वैसे ही प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिल सॉरी फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है, तो इस वजह से फैट को भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट्स हमें दोगुना एनर्जी देता है। जैसे कि एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर 4 कैलोरी एनर्जी दे रहा है, तो वहीं पे 1 ग्राम फैट हमें 8 कैलोरी एनर्जी देगा। ठीक है, फिर अभी हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, तो अभी हम लोगों को थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करना है, जो कि हमारा क्या है, प्रोटीन। ठीक है, दे हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यू। दस द फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन की हेल्प, प्रोटीन से हमारे बॉडी में क्या होता है, तो वो हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। प्रोटीन को खाने से हमारे बॉडीज के ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप्ड होता है, मसल्स डेवलप्ड होता है, बॉडी बिल्ड होता है। इस वजह से हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, और कहीं हमें चोट वोट लग जाता है, तो हमारा सेल्स और टिश्यू वहाँ से निकल जाता है, वहाँ पे गड्ढा गड्ढा टाइप्स का हो जाता है, तो फिर नया सेल्स उसको भरता है कुछ टाइम्स के बाद। तो वो नया सेल किसके हेल्प से वहाँ पे आता है, तो उसको प्रोटीन के हेल्प से ही वो हमारा जो वर्न आउट सेल होता है, वो हमारा रिपेयर होता है। ठीक है, इस वजह से कोई भी फूड जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस फूड को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। गॉट इट। और प्रोटीन को भी अब हम लोगों ने दो बेसिस पे, दो भाग में डिवाइड किया है। और किसके बेसिस पे, कि वो हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है कि एनिमल से मिल रहा है। तो जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिलता है, उसे हम लोग एनिमल प्रोटीन बोलते हैं, और जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्लांट प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क आर सम सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। जितने भी हमारा मीट होता है, फिश होता है, ये सब किसका सोर्स है, तो ये हमारा एनिमल प्रोटीन का सोर्स है। और वहीं पे अगर हम वैसा प्रोटीन जो हमें प्लांट से मिलता है, वो हमारा कौन कौन सा प्रोटीन है, तो वो पल्से, सोयाबीन, ग्राम्स, ये सब हमारा किसका एग्जांपल है, प्लांट प्रोटीन का। तो हम लोगों ने प्रोटीन को दो भाग में डिवाइड किया था, कि कौन सा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है। तो जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिलता है, उसे हम लोग एनिमल प्रोटीन बोलते हैं। जैसे मीट, फिश, एग, ये सबका सोर्स कौन है, एनिमल्स है, तो इस वजह से हम लोग इसे एनिमल प्रोटीन बोलते हैं। वहीं पर अगर हम पल्सेस देखें, सोयाबीन्स देखें, ग्राम्स देखें, ये सबका सोर्स कौन है, तो प्लांट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग प्लांट प्रोटीन बोलते हैं। गॉट इट। फिर हमारा क्या आता है, विटामिन्स। तो विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड इट आल्सो कीप आवर बोन्स एंड टीथ, गम्स एंड आईज हेल्दी। फूड आइटम कंटेनिंग विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स हमें बहुत सारे डिजीज से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की डिफिशेंसी, यानी विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो हमें कौन सा डिजीज हो जाता है, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में हमें दिखता नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि विटामिन हमें डिजीज से बचाता है। ठीक है, और वो हमारे बॉडी के बोन्स को, टीथ को, गम्स को और आईज को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। ठीक है,
और वहीं पे जो फूड से हमें विटामिन मिलता है उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फूड को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्यों प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं? क्योंकि ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, ये हमें डिजीज से बचाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन से राइज कर रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव फूड, देन ऑल द फूड्स विच कंटेन्स विटामिन्स आर नोन एज अ प्रोटेक्टिव फूड्स, बिकॉज विटामिन हमें किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक क्या है कि विटामिन्स भी दो टाइप्स के होते हैं, उसको किस बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया है कि कौन हमारा सोलेबल विटामिन है और कौन हमारा इनसोलेबल विटामिन है, ठीक है। कोई होता है कि फैट में सोलेबल होता है और कोई हमारा वाटर में सोलेबल होता है, तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने विटामिन को डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो विटामिन ए डी ई एंड के जो होता है वो हमारा फैट सोलेबल विटामिन होता है, और वहीं पे विटामिन बी एंड सी हमारा कैसा विटामिन है, तो ये हमारा वाटर सोलेबल विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन भी हम लोगों ने देख लिया, अब बचा मिनरल्स, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी हम लोगों ने जस्ट विटामिन को देखा, और विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमें बहुत सारे डिजीज से बचाता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन बी की कमी हो जाए तो बेरी बेरी हो जाएगा, वैसे ही बहुत सारे डिजीजेस हो सकता है हमें विटामिन की डिफिशेंसी की वजह से, ठीक है। फिर हम लोगों ने विटामिन को दो भाग में डिवाइड किया है, जो फैट में घुलता है उसे फैट सोल्युबल बोले हैं, और जो वाटर में डिजॉल्व होता है तो उसे हम लोग वाटर सोल्युबल बोलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और इसके आगे वाला जो मिनरल्स बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।